दोस्तों मैंने RC 125 BS6 का बहुत ही अच्छी तरह से रिव्यू किया था, जिसमें मुझे बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पांस मिला, जिसमें मेरे पास एक कमेंट सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिला, जिसमें आप लोगों ने मुझे बोला था कि भाई हमें RC 125 BS6 का एक क्विक रिव्यू चाहिए, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही स्पीड और RC की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें 125 BS6 की वो बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को क्विक रिव्यू मिल सके और आप एक छोटे ही वीडियो से RC 125 BS6 की आपको सारी नॉलेज मिल सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं RC 125 का प्राइस कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस, इसलिए मैं प्राइस आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ। दोस्तों RC 125 BS6 का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,77,000 रुपीज़ के आसपास, मेरे यहाँ पड़ती है 1,77,000 रुपये के आसपास। अब डिपेंड करता है कि आपकी सिटी में इसका कितना प्राइस है, हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा आपको प्राइस इधर उधर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, हर एक स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसके इंजन टाइप के बारे में अगर मैं बताऊं, इंजन टाइप में सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड FIDOS इंजन हमें इसमें देखने को मिलता है। 125 cc के मैक्सिमम कैपेसिटी का इंजन इसमें यूज़ किया गया है, लेकिन इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी, जो कि किसी भी 150 बाइक से कम नहीं है। मैक्सिमम पावर में 14.5 का PS पावर मिल जाता है और मैक्सिमम टॉर्क में 12 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि एक खास चीज़ है RC 125 की, क्योंकि यह बाइक 125 cc होने के बाद भी आपको KTM की तरफ से इतना ज़्यादा पावर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। 1 नंबर अप सिलेंडर में बाइक को डिजाइन किया गया है, कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल मिल जाता है और 4 वाल्व में बाइक को डिजाइन किया गया KTM की तरफ से दोस्तों। और वहीं आपको फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है, जिसे हम FI कहते हैं, और ड्राई टाइप में चैन ड्राइव मिल जाता है। क्लच में वेट मल्टीप्लेट क्लच हमें इस बाइक में देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं इस बाइक के डिजिटल मीटर के बारे में, तो काफी अच्छा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को KTM की तरफ से फुली डिजिटल मीटर मिलता है, जो कि सेम आपको जो BS4 मॉडल में मिलता था वही आपको सेम इसमें देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोगों को लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, लो ऑयल इंडिकेटर मिल जाता है, साथ में आप लोगों को ABS की लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिले, काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया KTM की तरफ से। सीरियसली दोस्तों इसका जो आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि KTM की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों इसके चेचीज और सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, तो KTM की तरफ से हर एक बाइक में स्टील ट्रेल्स फ्रेम मिलता है। इसमें भी चेचीज टाइप में आपको स्टील ट्रेल्स फ्रेम आपको देखने को मिलता है। बॉडी टाइप में स्पोर्ट बाइक है, आपको पता है रेसिंग स्पोर्ट बाइक, नेकेड नहीं है। और वहीं दोस्तों इसके सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन यहाँ पर डिजाइन किया गया KTM की तरफ से। फ्रंट सस्पेंशन में आपको WP USD मिल जाता है और रियर सस्पेंशन आपको WP मोनोशॉक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है मुझे यहाँ पे देखने को लगा। साथ में इस बाइक का जो बॉडी ग्राफिक है वो BS6 में काफ़ी अच्छा KTM की तरफ से डिज़ाइन किया गया, जो कि कलर आप मुझे आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा पसंद आया है, और ये कलर वाकई में बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया KTM की तरफ से। दोस्तों इसके डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। बाइक का जो ओवरऑल लेंथ है वो है 1977 mm का। बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो है 9.5 लीटर की, 9.5 लीटर पेट्रोल आप इस बाइक में डाल सकते हैं। दोस्तों इसके ड्राइव वेट के बारे में बात करेंगे, तो 154 kg का इस बाइक का ओवरऑल ड्राइव वेट हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों बाइक की जो सैंडल हाइट है, यानी कि बाइक की जो ओवरऑल हाइट है वो है 835 mm की, 835 mm की हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में हम बात करेंगे, तो काफी अच्छा इलेक्ट्रिकल आपको देखने को मिलता है KTM की तरफ से RC में, क्योंकि दोस्तों RC में यहाँ पे ड्यूक नॉर्मली आपको हेडलाइट हेलोजन मिलती है, LED लाइट्स नहीं मिलती, लेकिन इस बाइक में आप लोगों को सीधे प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, जो कि काफी ज्यादा ब्राइट होती है। वहां पर इलेक्ट्रिकल साइड में हेडलाइट में LED मिल जाती है, टेल लाइट में LED मिल जाती है, टर्न सिंगल लाइट में LED मिल जाती है, LED टेल लाइट मिल जाती है, लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। काफी अच्छा यहाँ पे डिजाइन किया गया, तो मुझे यहाँ पे इसकी जो प्रोजेक्टर लाइट है वो काफी अच्छी लगी दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट होती है कंपैरिजन टू आप बल्ब वाले, आप अगर कंपैरिजन करेंगे बल्ब वाले लाइट्स से। तो इसके टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे काफी अच्छा यूज किया गया KTM की तरफ से। 4 कैलिपर आपको फ्रंट में मिलता है, जो कि किसी भी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जो टायर साइज आपको 125 cc में मिली हो, किसी भी 125 cc गाड़ी में, यहाँ तक 200 cc की गाड़ी में भी आपको देखने को नहीं मिलती, बहुत कम बाइक में देखने को मिलती है। टायर साइज में फ्रंट में 110/70 का टायर मिल जाता है, वहीं रियर में 150/60 का आपको टायर देखने को मिल जाता है। टायर टाइप में ट्यूबलेस टायर का यूज किया गया दोस्तों। और वहीं दोस्तों इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, काफी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है। फ्रंट ब्रेक में 300 mm का आपको डिस्क प्लेट मिल जाता है, और वहीं रियर में 230 mm का डिस्क प्लेट आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों साथ में इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से 125 cc में ऐसी कोई भी बाइक नहीं है जिसमें आप लोगों को ABS देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं इस बाइक का प्राइस इतना है, पर आप ये कभी नहीं देखते कि आप
को इस बाइक में जो फीचर मिल रहा है वो किसी भी 150, 125, 160 किसी भी गाड़ी में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छी लगी मुझे KTM RC 125 BS6 दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आपको बाइक कैसी अच्छी लगी या नहीं लगी, मैंने क्विक रिव्यू किया आप लोगों के लिए, क्विक रिव्यू से आपको बताया इसके बारे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।